हेलो, वेलकम टू लर्न विद एक्सपेरिमेंट। मैं हूं सर। आज के इस एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, इस टंगस्टन वाले बल्ब को 4 kg पेट्रोल के अंदर जलाएंगे, देखेंगे क्या होता है, क्या पेट्रोल में आग लग जाती है या फिर इसका फिलामेंट के साथ क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता और इसका जो फिलामेंट है टंगस्टन का, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये भंगुर होकर टूट जाता है। तो आज हम देखेंगे जब पेट्रोल के अंदर ये कांड करते हैं क्या होता है इसके साथ। तो यही देखने के लिए आप हमारे वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम ग्लास ब्रेक कर देते हैं और इसके अंदर से पूरा फिलामेंट अच्छे से बाहर कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार देखिए हम बल्ब को बाहर कर लिए, इसके अंदर का जो फिलामेंट है। तो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इस फिलामेंट को पेट्रोल के अंदर जला के देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप मेरा एक पिछले वीडियो में देखे होंगे कि किस प्रकार से दिखाए थे कि पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, कोई सा भी ऑयल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अब इसको अंदर हम जला के देखेंगे क्या होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस जार में पेट्रोल को पूरा फुल कर लेते हैं। और हाँ, जैसा कि हमको पता है कि पेट्रोल के अंदर कोई सा भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल घुला हुआ नहीं रहता। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे इसके अंदर जब हम बल्ब जलाते तो इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि ये जो बल्ब इतना ज़्यादा हीट होता है, आग से भी ज़्यादा इसमें गर्मी रहती है। तो देखेंगे पेट्रोल के अंदर जब ये गर्मी होती है तो क्या इसमें आग भी लग पाती है, क्या होता है इसके साथ। तो इसको हम अच्छे से डुबो देते हैं। तो इस प्रकार देखिए पूरा कनेक्शन हो चुका है और अंदर में देखिए फिलामेंट अच्छे से डूब चुका है। अब हम देखेंगे इसमें लाइन देखिए क्या होता है इसके साथ। तो दोस्तों, जैसा कभी आप देखें कि इसके अंदर बल्ब जलाए थे कोई सा भी आग नहीं निकला था, बस जितना रेस्पी से पेट्रोल गर्म होने लगा था, इससे काफ़ी ज़्यादा साउंड आने लगा था, बुलबुले की साउंड। और जो ये मेरा बल्ब है वो भी फ्यूज हो चुका है, लगता है इसके अंदर जो बुलबुले के साथ कुछ ना कुछ एयर का मॉलिक्यूल इसके अंदर गया, जिस वजह से क्या हुआ, इसका फिलामेंट शायद जल चुका। और देखिए इसका फिलामेंट जो है पूरा गल गया बीच से। तो दोस्तों, जैसा अभी आप देखे कि जब पेट्रोल के अंदर हम बल्ब को जलाएं तो नॉर्मल बल्ब की तरह जल रहा था, उसका फिलामेंट जो थोड़ी देर बाद वो गला था। इसका मेन रीज़न ये कि अंदर में इतना ज़्यादा ना हीट प्रोड्यूस हुआ था, बाहर से एयर का मॉलिक्यूल उसके अंदर जाने लगा और जिस वजह से उसका जो फिलामेंट वो भंगुर होकर टूट गया। और पेट्रोल के अंदर थोड़ा सा भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं था, जिस वजह उसके अंदर आग नहीं पकड़ी। यही अगर ऊपर में फिलामेंट रखे हम जलाते तो उसमें बहुत ज़्यादा आग पकड़ लेती। तो फिलहाल आज के इस एक्सपेरिमेंट में इतना ही। इसी टाइप का एक्साइटिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम इसी प्रकार का वीडियो लाते रहते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा है इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।